समेत पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना कहर बरपा रहा है। पिछले एक हफ्ते में दुनिया में कोरोना के 36 लाख केस सामने आ चुके हैं, वहीं 10,000 लोगों ने कोरोना से अपनी जान भी गंवाई है। कोरोना के इन बढ़ते हुए केसों को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। अब कोरोना महामारी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से उनकी भारत जोड़ो यात्रा रोकने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं, देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दें। मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी को लिखे पत्र में कहा, राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाए, यात्रा में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही हिस्सा लें, ये सुनिश्चित किया जाए, यात्रा से जुड़ने से पूर्व और बाद में यात्रियों को आइसोलेट किया जाए, अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किए जाने का अनुरोध है। स्वास्थ्य मंत्री की इस चिट्ठी के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है, आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी तरह तरह के सवाल उठा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बौखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तनाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडोविया के मैं पूछना चाहते कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया के चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए है। अब इस मामले पर कांग्रेस के सभी नेता हमलावर दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी और अपील पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से केंद्र सरकार घबरा रही है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला। मंडुक भाई का नाम वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, अभी भी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है, आप देखिएगा इनके हालात क्या, कितने बौखलाहट है। दो मेंबर पार्लियामेंट, ये पीपी चौधरी पाली के, एक नया चेंजी गंगानगर, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारतीय जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप जो पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं। और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी को, कल ही लिख रहे थे, अभी आज अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की डिस्टेंस ये भी क्वारंटाइन करने के भी, ये बुकलाट का एक बड़ा नमूना सामना है देश के सामने। मेरे जाने यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्र सरकार, तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार। वहीं कांग्रेस के इस विरोध पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि यह गांधी परिवार कोविड प्रोटोकॉल से ऊपर है। इसके साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को कोविड नियमों का पालन करना ही होगा। एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है, ये तो मैं मान सकता हूँ कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है,
लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? दरअसल राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी निहाल चंद देवजी पटेल ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा से फैल रही कोरोना महामारी के संबंध में चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने लिखा था कि देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है, इसके साथ ही राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के चलते राजस्थान में कोरोना के फैलने का खतरा बना हुआ है। यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों में कोरोना के लक्षण भी दिख रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यात्रा से वापस लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में इसे लेकर सचेत होने की जरूरत है। वहीं राजस्थान के इन सांसदों की चिंता के बाद ही स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की थी, जिसके बाद इस मामले पर अब सियासी घमासान जारी है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।